कई जगह ना आपकी इन्वॉल्वमेंट ना डिसिप्लिन और पंचुअलिटी से भी ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए आपकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी और गर्लफ्रेंड जो लड़की है वो समझ सकते हैं उनका नया नया बॉयफ्रेंड बना, ठीक है ना। ऐसी एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी समझ में आती है, ये एग्जाम्पल समझ में आती है, चेहरे पे स्माइल आती है ना, मन में लड्डू फूटते हैं, और जो बेचारे सिंगल हैं वो भी हंस लेते थोड़ा बहुत, है ना। अब सुनो 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 सुनो, अब आपके होता क्या है, आपने एक डिसाइड किया जी कल सुबह डेट पे जाना, आपने मिलने जाना है, पूरा डिसाइड हो गया। ईमानदार बताओ फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो, इमेजिन करो आप, इमेजिन जो नहीं गए वो इमेजिन करो, जो गए हैं वो तो पता ही है, जो बहुत बार गए हैं वो तो बेचारे इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। पहली बात, जब आप फर्स्ट टाइम डेट पे जाओगे ना तो आप रात को ही अपने ड्रेस व्रेस सही करके रखते हो, है ना, एक फीलिंग आती है यार। अब बाहर में गई पंचुअलिटी, बाहर में गया डिसिप्लिन, अब 24 घंटे बस उसे ही सोचना है, है ना। अभी अभी सारे कुछ खत्म, सब बस पूरा टाइम, रात को नींद नहीं आ रही है, क्यों, ये सुबह क्यों नहीं हो रही है ना, ये सुबह थोड़ी देर सो जाऊं, थोड़ी देर, अलार्म की जरूरत नहीं है, अलार्म से पहले आप उठो। आप समझो बात को, आप मेरी बात, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, उसमें कनेक्ट करूंगा। आपकी इन्वॉल्वमेंट है ना जो, वो बहुत हाई लेवल पे आ जाती है। मतलब आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे हो कि यार चल ठीक है ना, एक बार मिलके आना, बात खत्म हो जाएगी यार, चल कॉफी भी करने को, खत्म बात। लेकिन जो एक्साइटमेंट का लेवल है उसको आप इमेजिन करो, जो आपको मिलने का मन कर रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, घर वाले आपको देख रहे हैं, आप अकेले ऐसे हंस रहे हैं, घर पागल हो गए, है ना, इसका दिमाग खा रहा है ना, एक आधा मैसेज आ गया, आप उसे पढ़े जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, खुश हुए जा रहे हो, जिंदगी ऐसे लग रहा है जैसे बस जीवन ही इसीलिए मिला था भाई, इसीलिए तो जिंदगी मिली थी, सब कुछ खत्म। इसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। आप इन्वॉल्व हो चुके हो पूरी तरह से, जब तक ये इन्वॉल्वमेंट आपकी स्टडी में नहीं आती, पास नहीं होंगे। आपको सोचते हो कि सर ने चार क्वेश्चन दिए हैं, मैंने चार करने हैं, मैंने चार क्वेश्चन कर लिए घर पे, बस मेरा काम हो गया, इतने तो करना होता है, तो नहीं पास हो गए भाई साहब। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगी, इतने सारे क्वेश्चन नए नए कर रहा हूं, इसमें नया पॉइंट है यार, ये तो सर ने बताया नहीं, ये तो मैंने नया पॉइंट निकाल लिया, अरे इसको ऐसे भी कर सकता हूं। वो जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना, इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, वो अगर यहां नहीं आएगा, आप अगर आप सोचो सिर्फ डिसिप्लिन है, क्लास जाना है, क्लास मिस नहीं करनी होती भाई, क्लास रोज लेनी है, क्लास में जाके सुन लिया बस, आज घर जाके सर ने दो क्वेश्चन दिए, दो कर लिए यार बस, ठीक है, इतना ही काम था ना, मेरे को तो काम निपटाना है, वो बिल्कुल उतना उतना करना, तो मैं तो बिल्कुल भाई ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं, जो सर करते हैं मैं वो काम कर लेता हूं, तो भी आप पीछे रहोगे। हो सकता है पास हो जाओ कि ठीक है आप पूरा होमवर्क कर रहे हो, जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना उसके अंदर, आप खुद से नई चीजें उसके अंदर नहीं ढूंढ रहे, आपको मजा आ रहा काम करने में, तब तक आपके पास होने के चांसेस कम होते जाएंगे।